हेलो नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आगरा बीएड के लिए, एमएड के लिए और डीएलएड के लिए आखिरकार सेकंड लिस्ट कब निकलने वाला है। तो आप सभी ने कमेंट्स भी किया था, मैं कमेंट्स का जवाब कमेंट्स में नहीं दिया ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ही लाभान्वित हो सके और सभी को पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके कि सेकेंड लिस्ट जो है कैसे निकलता है, क्यों निकलता है और कब निकलता है और कितने दिनों के बाद निकलता है। तो आज इस वीडियो में ये जानने वाले, पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड लिस्ट जो जारी होता है तो आखिरकार क्यों होता है। तो सेकेंड लिस्ट जो जारी तभी होता है जब फर्स्ट सिलेक्शन वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, अगर उनके एडमिशन के बाद अगर कुछ सीट वैकेंट्स होती है, अगर कुछ सीट अगर रिक्त होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए ये सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है। लेकिन फर्स्ट सिलेक्शन का जो एडमिशन डेट था वो था जुलाई से, जुलाई आपका 10 से लेकर के जुलाई 22 तक था। तो आज 22 तारीख है, आज यानी कि शेष दिनांक है फर्स्ट सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स का। अगर जो फर्स्ट सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो उस जगह सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। और सेकेंड लिस्ट भी दोस्तों सभी संवर्ग यानी अलग अलग संवर्ग में विभाजित, उसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उसी के आधार पे, अगर मान लीजिए किसी एक राज्य के बच्चे नहीं आते हैं तो उस राज्य के बच्चे को ही उसका सीट मतलब पूर्ति किया जाएगा। तो इस तरह से होता है सेकेंड लिस्ट में। और सेकेंड लिस्ट भी यानी तभी जारी होता है जब फर्स्ट सिलेक्शन के कैंडिडेट्स का जो अंतिम दिनांक यानी कि आज 22 जुलाई है, इसके कुछ दिनों के बाद यानी कि इस प्रक्रिया में भी, सेकेंड लिस्ट जारी करने में भी दोस्तों तकरीबन 10 दिन समय लग जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। मान लीजिए अगर जो बच्चा अच्छा मार्क्स स्कोर किया है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ फर्जी पाया हो, कुछ जाली पाया गया हो, या फिर यानी कुछ सर्टिफिकेट नहीं हो, या फिर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को फुलफिल नहीं किया हो, तो इस परिस्थिति में एक अच्छे स्कोरर, एक अच्छा स्कोर करने वाले को भी सेकेंड लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इस प्रक्रिया की जाँच में पूरी तरह से ध्यान देना मतलब पड़ता है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा समय लगता है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो ये जो सेकेंड लिस्ट की प्रक्रिया जो है ऑलरेडी पहले से ही तय हो चुकी होती है कि कौन से बच्चे यानी कि उसके बाद आने वाले हैं। फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ताकि यहाँ आने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत दूर है और यहाँ से यानी कि रिटर्न जाना बहुत ही असंभव से साबित हो जाता है, क्योंकि बहुत ही सारे पैसे भी खर्च होते हैं आप उतना दूर से आएंगे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकता है सेकेंड लिस्ट। और सेकेंड लिस्ट में जो जितने भी बच्चे आएंगे, आप सभी से भी निवेदन है कि आप पूरी तरह से आप यानी कि अभी तो आपको पता नहीं है कि सिलेक्शन किसका होगा, लेकिन सिलेक्ट कोई भी हो सकते हैं। आप अपना उम्मीद नहीं छोड़िएगा, उम्मीद पर ही इंसान टिका होता है और अंत तक उम्मीद लगाए रहिएगा, क्योंकि सिलेक्ट आप भी हो सकते हैं। तो ये इस वीडियो में ये जानकारी थी कि सेकेंड लिस्ट किस तरह निकलता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी समय लगता है। इसीलिए तो आप लोग निश्चित रूप से रहिए, सेकेंड लिस्ट बस ही कुछ दिनों में आने ही वाला है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।